डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे चैनल को, और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन 2 का 19। तो यहाँ पे कंसिडर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ रोलिंग पैर ऑफ डाइस ओवर एंड ओवर, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 5 कम बिफोर सम ऑफ 7 में आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 5 ये पहले आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये सब यूज करके करेंगे बहुत टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, ये ऐसे सैम्पल्स पे लिखेंगे 1,1, फिर 2,1, 3,1, फिर 2,2, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यूज़ करेंगे अल्ट्रा इजी मेथड। तो सम के लिए ये लॉजिक यूज़ करो, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे लिखो, और वहाँ से लिखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखो, और इसके ऊपर 2 से स्टार्ट करो, 12 में एंडिंग करो, और ये ऊपर का जो नंबर रहता है वो सम रहता है। ठीक है, ये लॉजिक यूज़ करना है फॉर 2 डाइस के लिए। ठीक है, सम फॉर 2 डाइस के लिए ये लॉजिक यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी सम 5 किधर आ रहा है, इधर है, और ये कितने बार आ रहा है, 4, और पैर ऑफ डाइस के लिए एन ऑफ एच कितना रहता है, एन ऑफ एच इज इक्वल टू 36। बस सिंपल, एक स्टेप में निकाल दिया आपने। अभी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 7 में जाते हैं, 7 है, 7 कितने बार आ रहा है, 6, और नीचे एन ऑफ एच आएगा 36 ओवर। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा इसमें, राइट। तो अभी प्रोबेबिलिटी में जाते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है करके। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, ऑड्स फाइंड करते हैं। ऑड्स का मतलब होता है दो कॉम्प्लीमेंटरी प्रोबेबिलिटी, ये आएगा और इसको। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि 5 पहले आना चाहिए, सम 5 कम बिफोर सम 7, तो ऐसे लिखेंगे 5 एंड रेशियो, क्योंकि ऑड्स का ये फंडा है। ठीक है, तो सम 5 कितना दिया, ये दिया है 4/36 एंड रेशियो, और यहाँ पर क्या दिया है, सम 7 का 6/36, इसको कट करो, अभी इसको भी कट करो, 2 × 2, 2 × 3 ऐसे भी कट कर सकते, इसको भी कट करो डायरेक्ट, एंड ए और ए 2 × 2, 4 एंड यहाँ पे 2 × 3 आएगा, तो ये बनेगा 2:3। बट उन्होंने ऑड्स ने पूछा, उन्होंने फाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 5 कम्स बिफोर 7 इज इक्वल टू, ये ऑड्स इन फेवर, तो ये पहला ये 5 का ये है, तो 2 अपॉन टोटल, टोटल कितना है, 2+3 ये आएगा 2, एंड इसको ऐड करना है 2+3, 5 ये आएगा 5 ओवर। सो आपने देखा इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हमने कितने स्टेप में सॉल्व किया, 1, 2, 3, 4 क्लियर। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा इजी मेथड। तो सम 5 लो, फिर क्या सम 7 लो शॉर्टकट मेथड से, ये सब करके टाइम बर्बाद मत करो, ऑड्स इन फेवर लो, फिर इसको कट बिट करो, उसके बाद फाइनली फिर उसका प्रोबेबिलिटी लेना है। ठीक है, इसको लो, क्योंकि सम 5 का ये आएगा और नीचे टोटल आएगा 2+3, 5। मुझे लगता है ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।